आपका क्या नाम है? अच्छा सुरेंद्र पाल नहीं सर, सन ऑफ शहीद सतपाल, हाँ? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। शहीद सतपाल। हाँ जी, क्यों शहीद कैसे हो गए? हाँ वो रॉ इंटेलिजेंसी के लिए देश की सेवा करते थे, उन्होंने 14 साल देश के लिए काम किया, और उन्होंने वो रॉ के लिए काम करते थे, अप डाउन करते थे। 99 की कारगिल वॉर में वो पाकिस्तान में पकड़े गए। सन 2000 में उनकी डेड बॉडी का मैसेज आया हमारे गांव में। तब हमारे देश के जिम्मेवार लोग इकट्ठे हुए और डेड बॉडी लाए यहाँ हमारे भारत में। डेड बॉडी के साथ अमरिंदर सिंह बिट्टा जी, मिसिज चावला और कई जिम्मेवार लोग थे, जिन्होंने सिर्फ स्नैप ही करवाई और बड़े झूठे वादे किए हमारे साथ। जैसे अमरिंदर सिंह बिट्टा जी ने कहा कि आपको मैं 6 महीने के बाद ही पंजाब पुलिस में करवा दूंगा। प्रताप सिंह बाजवा जी हमारे धर्मस्थान में खड़े होकर गांव में बोल रहे थे, जो पढ़ाई करना चाहता है उनको मैं पढ़ाई का अनुवासन देता हूँ, और मैं जो नौकरी करना चाहता है उसको मैं नौकरी दूंगा। लेकिन 17 साल हो चुके हैं सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो शहीद का दर्जा दिया गया है? उन्होंने वो ही सब किया, जब डेड बॉडी आई, सारे जैसे एक देश के सेवा सैनिक को दिया जाता है श्रद्धांजलियाँ दी, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे ये लोग करते हैं, एक सलामी सैनिक थी सलामी दी। और जो अपने देश का तिरंगा भी था। हाँ जी, एक फ्लैग है मेरे पास जो उनकी हाँ डेड बॉडी के ऊपर आया था, हाँ अभी तक मैंने उसको रखा हुआ है। उसके ऊपर मेरे पिताजी के ब्लड के निशान अभी तक हैं। तो इस फ्लैग में लाए आपके फादर की डेड बॉडी आई थी, हाँ जी, ये सारे ब्लड के निशान दिख रहे हैं इस पे तो। ये 2000 सन के ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं, अच्छा, ऐसे कैसे हैं। ये अच्छा ठाकुर जी, सरकारी, ये आपको मिला था सारा? हमारी फैमिली ने सोच रखा था कि जैसे हमें कोई इंसाफ मिले, कोई न्याय मिले, हाँ तो हम फिर ही इसको वॉश करेंगे, अच्छा, तब तक ऐसे ही रहेगा ये। हाँ, सतारह तो कुछ गवर्नमेंट ने दिया नहीं आपको? साल हो चुके हैं सर, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला भाई हूँ, 2 बहनें हैं, शादी हो गई है दोनों की? अच्छा, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। तो अभी कैसे, आप क्या चाहते हो? मैं 11वीं क्लास में था तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी अपनी, पेंट का काम करना शुरू कर दिया। उसके हिसाब से घर का गुजारा ऐसे चलता था सर, और मेरी माँ ने 5 साल लोगों को काम किया घरों में जाकर, छोटी बहन भी साथ जाती थी, पढ़ाई छूट गई सबकी, हाँ, ऐसे गुजारा चलता रहा सर। तो अभी तक लेकिन कुछ नहीं हुआ आप लोगों का, तो नहीं सर, अभी क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या मैं चाहते चाहता हो? हूँ जैसे एक सेवा सेनानी को सब सहूलतें दी जाती हैं, जो मुआवजा हमारा बनता है, हमारा हक है जो हमें सर मिलना चाहिए।